अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात ने देखा कि अभी जूम मीटिंग तमाम खादिमुल हज्जाज से दी जा रही थी, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन साहब, इरफान साहब और लेख साहब मेंबर और मुजीब साहब मेंबर और आप तमाम हजरात के सामने डायरेक्ट जूम मीटिंग चल रही थी। आपने देखा कि तमाम खादिमुल हज्जाज ने सऊदी हुकूमत के इंतजाम के ताल्लुक से, सेंट्रल हज कमेटी के इंतजाम के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और तमाम आजमीन और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को ये ख़ास एजाज हासिल है कि तकरीबन 17 स्टेट के लोग तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के पास से गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कार्य ऑफिस से हैं, एक आध पेशेंट सिर्फ दवाखाने में है, उनका भी इलाज कराया जा रहा है। आज जूम मीटिंग लेने का वजह ये थी कि आज से हाजी हजरात हरकत में आ जाते हैं, आज से जो है निकलते हैं, मिना है, मुजदलफा है, अरफात है, जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक होती है, रश होता है, टेंटों में रहना पड़ता है, खाने की तकलीफ होती है। जो हम ये खादिमुल हज्जाज ऑलरेडी हम ट्रेनिंग कैंप्स में बोलते गए, लेकिन आज फिर ये बात याद दिलाए हैं कि ज़ईफ लोगों का ख्याल रखें, मुअम्मर हजरात का ख्याल रखें, साथ में ORS पानी और उनकी दवाएं साथ रखें, सिर्फ ज़रूरतमंद चीज़ ही साथ रखें, जो ज़्यादा चीज़ लेकर पैदल चलने में दुश्वारी होती है। बहरहाल अच्छी मीटिंग हुई, सबको हिदायत दी गई कि बेहतर से बेहतर खिदमत की जाए, कोई तकलीफ ना हो। आप लोग भी दुआ करिए कि ये तमाम हाजमीन सारी दुनिया से जो जो लोग हैं, अल्लाह ताला सबको खैर फैसलाज कराए और उनको वापिस अपने मुल्कों को भेजाए। करीब 41 खादिमुल हज्जाज यहाँ से गए तेलंगाना से।